कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं गौतम सागर, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा जर्मनी की ओर से विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी को मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल, लोहड़ी, बिहू की भी ढेरों शुभकामनाएं। आज का यह कार्यक्रम फॉयड जर्मनी की और भारतीय कौंसलावाद हैमबर्ग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। आप सभी 6 महादेशों से इस मंच पर जुड़े हैं, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। जब देश विदेश के लोग हिंदी के लिए ऐसे मंच पर जुड़ते हैं, तो एक अप्रवासी भारतीय के रूप में जो भाव आते हैं, उनको मैं कुछ पंक्तियों में रखना चाहूंगा। सुनिएगा। टूटे तने का जड़ से जुड़ना अच्छा लगता है, परदेश में रहकर हिंदी से जुड़ना सपना लगता है। टूटे तने का जड़ से जुड़ना अच्छा लगता है, परदेश में रहकर हिंदी से जुड़ना सपना लगता है। वैसे खूबसूरत भाषाएं तो हैं बहुत, फिर भी हिंदी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत खूब, मौसी, बहुत फुआ, चाची, मामी, मौसी, फुआ, चाची, मामी प्यार बहुत बरसाती हैं, फिर भी माँ के पास जाना अच्छा लगता है। माँ क्या के बात पास जाना अच्छा है। लगता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम एक वैश्विक समाज में रह रहे हैं और हमें दुनिया से जुड़ना है, जिसके लिए अन्य भाषाएं भी जरूरी हैं। अन्य भाषाओं का उपयोग करते हुए हिंदी कहीं पीछे न छूट जाए, इसके लिए पूरी दुनिया में बसे भारतीय अगर ध्यान दें, और खासकर आने वाली नई पीढ़ी, हम लोग तो हिंदुस्तान से हिंदी सीख कर आए हैं, पर जो आने वाली पीढ़ी है, उसको अगर हिंदी से जोड़ते जाएं, तो विश्व स्तर पर हिंदी बढ़ते रहेगी। और ये भारत के बाहर ही नहीं, भारत में रह रहे लोगों के साथ भी लागू होती है। और तकनीक में उन्नति और ऑनलाइन तकनीक से हिंदी को तो बल मिला ही है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। मेरा तो मानना है कि इसी कारण हमारे जैसे लोगों को हिंदी से जुड़ने का मौका मिल जाता है। ऐसे उत्सवों से रो रहे देश विदेश के लोगों को एक साथ हिंदी के कारण एक मंच पर आने का मौका प्राप्त होता है। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी फॉयड, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, विश्व हिंदी दिवस कार्यक्रम के साथ इस साल का आगाज कर रही है। इस कार्यक्रम में हम सभी काव्य पाठ का आनंद लेंगे। विगत कुछ सालों से फ्रॉइड के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय कॉन्सुलेट हैमबर्ग तथा अन्य कई संस्थाओं के सहयोग से साहित्य से परे रोजगार, समाज और संस्कृति संबंधित अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसे बड़ा ही सराहा गया है। इस साल भी फ्रॉइड अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिंदी के बहुत सारे प्रेमी जुड़े हैं, और मैं कहूंगा आज कुछ के प्रख्यात वक्ता हैं तो कुछ बड़े प्यारे श्रोता। मुझे उम्मीद है कि आज के इस अंतरंगी कार्यक्रम के द्वारा हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए और बाद में जो सामाजिक माध्यमों से देखेंगे, उनके लिए भी कुछ यादगार मधुर क्षण बनाने में सफल होंगे। आज के कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी और मेरे द्वारा किया जाएगा। कहें तो कन्हैया जी लगभग 3 दशकों से इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में रहते हैं। पेशे से डॉक्टर हैं और स्वभाव से कवि। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक मसलों पर सदा लिखते रहते हैं। फ्री वर्स, गजल और व्यंग तीनों विधाओं में लिखते हैं। इनकी 3 कविता संग्रह की किताबें छप चुकी हैं और चौथी प्रकाशाधीन है। और हिंदी साहित्य में योगदान के लिए इन्हें अनेकों सम्मान से सम्मानित किया गया है। कन्हैया जी मेरे बड़े ही प्यारे मित्र हैं, और उनका सहयोग पाना ऐसे कार्यक्रम में बड़ा उत्साहवर्धक रहता है। धन्यवाद कन्हैया जी जुड़ने के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रतिक्रिया लिखकर व्यक्त करते रहें, ताकि वक्ताओं का और कवियों का हर्ष उल्लास बना रहे, उत्साह बढ़ाते बढ़ते रहे। और सभी वक्ताओं से विनम्र निवेदन है कि निर्धारित किए हुए समय का मान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें, ताकि कार्यक्रम को समय पूर्वक किया जा सके। इसके साथ ही सभी वक्ताओं से निम्र निवेदन है कि पूरे कार्यक्रम के दौरान जुड़े रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। अब वक्त आ चला है हमारे अपने
अतिथि को मंच पर बुलाने का, और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा हमारे भारतीय कौंसल आवास हैम्बर्ग से वाइस कौंसल जॉयदीप रॉय जी का। हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम लोग हमेशा सहयोग पाते हैं भारतीय कौंसल आवास हैम्बर्ग का, और पिछले कार्यक्रमों तक गुलशन ढिंगरा जी हमारे काफ़ी प्रिय रहे और जुड़ते रहे, और उनकी तबादला हो गई है, और अब जॉयदीप जी ने कार्यभार संभाला है और वो काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आएं और अपनी बात रखें। जॉयदीप जी, हृदय तल से स्वागत करता हूँ, कृपया मंच पर आएं। स्वागत है। आप जॉयदीप जी, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। सुप्रभात सादर। विश्व हिंदी जी, आपकी दिवस आवाज आ रही है। जी, आ रही है आवाज? जी आ जी जी रही जी है। हाँ जी, नमस्ते। विश्व हिंदी दिवस 2024 के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय प्रधान कौंसल आवास हैम्बर्ग की ओर से आप सभी को नव वर्ष के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ये भी कामना करता हूँ कि नया वर्ष सभी के लिए खुशियों भरा और स्वस्थ रहे। विश्व हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की संदेश। थोड़ा सा जोर से बोले जयदीप जी, आपकी आवाज थोड़ी दबी हुई आ रही है, थोड़ा सा अच्छा, नजदीक हो जाए। जी विदेश मंत्रालय हाँ, और और अब बेहतर ठीक है। अच्छा ओके, विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशन एवं केंद्र द्वारा विश्व हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम की आयोजन के बारे में जानकारी प्रसन्नता हुई। इन कार्यक्रमों में भाग ले रही सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखना सुखद है कि अपनी सरलता, सहजता और साहित्यिक विरासत के साथ साथ हिंदी आज सूचना प्रौद्योगिक और तकनीकी की भाषा के रूप में भी युवाओं को बीच लोकप्रिय हो रहा है। भारत की प्रगति के साथ ही हमारी पहचान और परंपराएं की दुनिया की रुचि बढ़ रही है। विदेशों में भी हिंदी भाषा सीखने वाले लोगों का संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुझे विश्वास है कि सभी ये विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी होने वाले कार्यक्रम सभी भारतवंशियों को, विशेषकर युवाओं को हिंदी से जोड़ने और इस अपने विभिन्न कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। डॉक्टर गौतम सागर आयोजित विश्व हिंदी दिवस समारोह का हिस्सा बनना वास्तव में खुशी की बात है। हिंदी भारत में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। एक बार फिर मैं विश्व हिंदी दिवस की आयोजन और हैनोवर और जर्मनी में हिंदी भाषा की बढ़ावा देने में उनका प्रयास के लिए डॉक्टर गौतम सागर को सराहना करता हूँ। मैं ये उपस्थित सभी प्रतिभागियों को होने यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जॉयदीप जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री जी का संदेश भी हम तक पहुंचाया, इसके लिए मैं धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूं। और आगे बढ़ते हुए अब मैं कहूंगा कि मैं अब एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो करीब 3 दशकों से ज्यादा से भी पत्रकारिता से जुड़े हैं और आज हिंदुस्तान हिंदी दैनिक के मैनेजिंग एडिटर पद पर कार्यरत हैं। पर आजकल कबीर की पत्नी पर आधारित नाटक लोई की वजह से बहुत चर्चित हैं। हिंदी के बाद लोई का उर्दू संस्करण पाठकों तक पहुंच चुका है और अब गुजराती संस्करण भी पहुंचने को है। इनकी पहचान इतवार छोटा पड़ गया गजल संग्रह और मलाई मलाला यूसुफजई पर लिखी कविता से भी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे प्रताप सोमवंशी जी का। सोमवंशी जी अनेकों पुस्तक तथा प्रवेशिका के रचना मंडल में लेखक के तौर पर भी शामिल हैं। आप अनेक विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता पाठ्यक्रम में विशेष विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। तो सोमवंशी जी, आपका आपके ही अपने फ्रॉयड के मंच पर स्वागत है। स्वागत है प्रताप जी, आप अनम्यूट कर लें।
लोग छोड़ रखे हैं, हो गया। म्यूट है, आइए। हाँ, आप सबको नमस्कार, और ये सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। और ये जो फाइट का मंच है, ये मेरे लिए मेरा, मैं एक तरह से अपने आप को यहाँ दूर देश में रहते हुए, देश में रहते हुए दूर देश के सभी लोगों को मुझे अपनों से मिलाता है, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और हमेशा से गौतम जी और डॉक्टर कन्हैया, इन सबका स्नेह मेरे पास रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और विश्व हिंदी दिवस के लिए के अवसर पे आज हम बात करने के लिए हैं, तो कुल मिला के 7 मिनट की जो समय सीमा है, मेरा ये जो भाषण था 55-60 सेकंड का, ये भी उसी में शामिल है। जी, तो देखिए, भाषा भाषा के लिए सबके पास अलग अलग अर्थ होते हैं। हमने बहुत सारी कविताएं शेर कही। मैं कई दिनों से, जब इनका गौतम जी का आमंत्रण था, सूचना थी, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं कोई एक लाइन में कह सकता हूं क्या, तो नहीं बन पाई, 2 लाइन बनी बात, उसको चाह है कि मदद से उसको। मैं, ये जो अपनी भाषा है, ये दुनिया की सारी मातृभाषाओं को हिंदी की ओर से प्रणाम, कि ये जो अपनी भाषा है, ये जो अपनी भाषा है, ये तो मन की आंखें हैं, मन से मन की बातें हैं, ये तो मन की आंखें हैं, मन से मन की बातें हैं, बस इतनी परिभाषा है क्या बात है, वाह वाह, क्या ये बात जो है, अपनी भाषा है। अद्भुत बहुत बहुत खूब। अद्भुत। तो बस इतनी परिभाषा, किस एक दूसरे का मन जोड़े रहे, इतनी परिभाषा कि हम अपने अंतर मन में अपनी भाषा में झांक पाए। तो विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं एक दो गजलें पढ़ देता हूं, जी, स्वागत है, स्वागत है सुमन सिंह और जी। वो पढ़ देता हूं कि जो आपको नहीं जी, तो मैंने इसलिए भी छाटा कि वो बार बार, अब क्या होता है यूट्यूब के जमाने में कि वही बातें घूम घूम के फिर आ जाती हैं। तो आप शेर देखें कि जब भी एहसास के बादल होंगे, जब भी एहसास के बादल होंगे, मेरे जैसे कई पागल होंगे। अरे जब वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बोलता हुआ शेर है, भी एहसास के बहुत खूब। बादल होंगे, मेरे जैसे कई पागल होंगे, मेरे जैसे कई पागल होंगे, और एक आंसू भी बहा देगा उन्हें, एक आंसू भी बहा देगा उन्हें जो किसी आंख का काजल होंगे, क्या बात है, एक क्या बात आंसू है, भी क्या बहा देगा उन्हें बढ़िया शेर, बहुत बढ़िया, बहुत जो बढ़िया। किसी बहुत आंख का काजल होंगे, और ढक ही लेते हैं मुसीबत सारी, ढक ही लेते हैं मुसीबत सारी, जो दुआओं भरे आंचल होंगे, ढक क्या बात है, ही बहुत बढ़िया, लेते क्या हैं बात है, क्या बात है, मुसीबत सारी, जो बढ़िया। दुआओं भरे आंचल होंगे, और सारा माहौल खनकता होगा, सारा माहौल खनकता होगा, कहीं कंगन कहीं पायल होंगे वाह वाह, क्या बात, क्या बात, साथ, क्या हर बात, हाल में क्या बात, सारा माहौल बहुत खनकता सुंदर, होगा, कहीं कंगन कहीं पायल होंगे, साथ हर हाल में होगा उनका, साथ हर हाल में होगा उनका। वो भले आंख से ओझल होंगे, क्या जब वाह भी वाह, क्या एहसास बात, के बादल होंगे, मेरे बहुत जैसे बढ़िया, कई पागल होंगे। बहुत वाह बढ़िया, वाह, क्या बहुत बढ़िया। बात है, क्या आखिरी कहने गजल की के, बात। हाँ, 3-4 शेर। उम्मीदों के पंछी के पर निकलेंगे,
उम्मीदों के पंछी के पर उम्मीदों निकलेंगे। के पंछी के पर निकलेंगे, मेरे बच्चे मुझसे बेहतर निकलेंगे। क्या क्या बात बात है, क्या बात है, है, क्या बात है, बहुत उम्मीदों सही। के पंछी के पर निकलेंगे, मेरे मेरे बच्चे बच्चे मुझसे बेहतर मुझसे निकलेंगे। बेहतर निकलेंगे, और दिल तो अपना उनके साथ ही चला गया, दिल तो अपना उनके उनके साथ साथ ही ही चला चला गया, पाँव गया। हमारे थोड़ा सो कर निकलेंगे। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बात है भाई, बहुत खूब। देखिए एक शेर बोलता हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छी और एकदम अच्छी बातें तो सब करते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो सब करते हैं, इन अच्छों में बद से बदतर निकलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक तो सब नई नई एकदम ताजा ताजा शेर सुना रहे हैं आप। बहुत 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 शुक्रिया सोमवंशी जी। शुक्रिया। बिल्कुल और बाजारों के दस्तूरों से वाकिफ हैं, बाजारों के दस्तूरों से वाकिफ हैं, सारे आंसू अंदर ढक कर निकलेंगे। क्या क्या बात है, क्या बात बात है, है, बहुत बढ़िया। सारे आंसू अंदर ढक कर बाजारों निकलेंगे। के दस्तूरों से वाकिफ हैं, ढक कर निकले हैं। और दिल वाले आप सबके लिए ये शेर है, आखिरी शेर मेरी आज की प्रस्तुति का, कि दिल वाले तो आहट पर चल देते हैं, क्या बात है, दिल वाले वहां पर तो चल देते। आहट पर चल देते हैं, अकल के बंदे सोच समझ कर निकलेंगे। क्या क्या भावनाएं हैं, भावनाएं, दिल क्या वाले तो भावनाएं आहट हैं, पर चल बहुत खूब, देते हैं, बहुत खूब, अकल के बंदे सोच समझ कर निकलेंगे, क्या बात। उम्मीदों के पंछी के पर निकलेंगे, मेरे बच्चे मुझसे बेहतर निकलेंगे। सबको बहुत बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत क्या खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सोमवंशी जी आपने समय का भी मान रखा और नई नई भाव निकलती हुई गजलें सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और एक बार फिर से जुड़ने के लिए तहे दिल से आभार। और अब मैं आगे बढ़ते हुए ओमान जाना चाहूंगा। सो तुफैल जी, क्या आप उपलब्ध हैं? जी जी बिल्कुल जी उपलब्ध हूँ मैं। दरअसल ये इन्होंने 2 साल पहले अपना जो है कि ये एक अवार्ड देते हैं, ये अच्छा जी 51,000 रुपए का, हाँ क्या जर्मनी से, हाँ वो बात देते हैं, तो वो मुझे ही दिया था। तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि आप सबसे पहले आपको बुलाएंगे तो आप है। हाँ रहिएगा। छोटो अब आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जैसा कि बोले कि ओमान पहुंच चुके हैं, तो अब मैं ओमान से एक ऐसे इंसान को जोड़ रहा हूं जो पेशे से उद्यमी है और साथ साथ कवि और सामाजिक कार्यकर्ता। तो आज हमारे मंच पे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो शौक से कवि हैं। तो आप दुबई में प्रतिष्ठित तहबीब सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित एक अनुभवी इंजीनियर और साहित्य के दिग्गज हैं। आपकी काव्यात्मक सृष्टियां उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को आच्छादित करती हैं। अनेकों सम्मान से सम्मानित हैं, जिनमें से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। आप एक शिक्षाविद भी हैं। पोएट्री एंड लिटरी ग्रुप LPG के संस्थापक के रूप में आपने दुनिया भर के कवियों को जोड़ने का काम किया है। तो आइए स्वागत करते हैं तुफैल अहमद जी का। तुफैल जी स्वागत है आपका। स्वागत है तो फैलिए, आइए मंच संभाले। आप अनम्यूट कर लें तो फैल जी, आप अनम्यूट कर लें। गौतम साहब इनको अलाउ कराइए अनम्यूट करने के लिए। मैंने किया है। तो फैल जी एक जो जी म्यूट अब का, क्या, हाँ हेलो। जी 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 आइए, जी 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 हाँ, अनम्यूट वो यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि होस्ट इज नॉट अलाउइंग यू। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर गौतम सागर जी का कि इस प्रतिष्ठित मंच पे मुझे आमंत्रित किया और इस पावन अवसर पे मुझे यहाँ पे काव्य पाठ के लिए बुलाया। तो समय ना नष्ट करते हुए मैं सीधे सीधे एक कविता आपके सामने पेश करता हूँ। आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो उससे बिल्कुल मिलती जुलती एक कविता मेरी जो हिंदी भाषा पे है, तो वो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। यहाँ पे स्वागत हमारे बहुत सारे गुणीजन बैठे हैं,
कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ, जिनमें डॉक्टर शिल्पा शिल्पी हैं यहाँ पे जी, शिल्पी जी हैं, और डॉक्टर कृष्णा जी यहाँ पर विराजमान हैं, और साथ में बहुत सारे यहाँ पे गुणीजन बहुत ही लोग मौजूद हैं, परवेज मुशरफ मुजफ्फर साहब हैं जो मेरे बहुत परम दोस्त हैं। तो चलिए मैं समय न नष्ट करते हुए सीधे सीधे काव पाठ पे आता हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है तुफैल जी। बहुत धन्यवाद, बहुत जी धन्यवाद। शीर्षक है हिंदी। जो फूल के जैसी कोमल सी है, जो नदिया जैसी चंचल भी है, जो सागर से भी गहरी है और शीश पे नभ के रहती है, मैं गर्व से कहता हूं यारो, वह भाषा हमारी हिंदी है। वह वाह भाषा हमारी वाह वाह, क्या बात हिंदी है, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। क्या बहुत आपने बढ़िया अपने बहन की दी है, बहुत बढ़िया। है। संग जिसकी तरंगे लहरों जैसी, जो संग हवा के बहती रहती, जो सावन सी टिप टिप करती, जो धूप में सबको है चमकाती, मैं गर्व से कहता हूं यारो, वह भाषा हमारी हिंदी है। वह बहुत भाषा वह भाषा हमारी हमारी, हिंदी है, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अब सुने, यहाँ पे देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे शायद यह पंक्ति या अगली कुछ पंक्तियां जुड़ जाएंगी कि हम जाएं विदेशों में तो भी, हम जाएं विदेशों में तो भी, पहचान जो बनती है अपनी, हर भारतवासी के दिल को एक माला में जो है बुनती, मैं गर्व से कहता हूं यारो, वह भाषा हमारी क्या हिंदी। बात है, बहुत क्या खूब, वह बात है, भाषा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वह फिर भाषा हमारी हिंदी, बहुत खूब, भावनाएं एकदम बहुत अच्छे से निकल के आ रही हैं आपके शब्दों से। बहुत बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आसान बहुत है सीखना इसको, कोशिश जो करे वह बोल ले जिसको, अमेरिका और यूरोप वासी हैं बोलते जिसको अरबी चीनी, मैं गर्व से कहता हूं यारो, वह भाषा हमारी हिंदी हमारी है। हिंदी है, बहुत खूब, मैं बहुत यहाँ पे खाड़ी के देश में रहता हूँ, जहाँ की मूल भाषा तो अरबी है, लेकिन यदि आप कहीं पे भी जाएं, आप हिंदी में बात करें, तो आपकी आपकी भाषा को लोग समझ जाते हैं। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनसे भी आप अगर हिंदी में बातें करें, तो वो समझ तो जाते हैं कि क्या मैं कह रहा हूँ। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये हिंदी को सीखना बहुत आसान है ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, और वो जब हमसे मिलते तो हिंदी में बातें। तो बिल्कुल। उसी भाव से ये छंद लिखा था मैंने कि आसान बहुत बहुत है सीखना इसको, कोशिश जो करे वह बोल ले जिसको, अमेरिका और यूरोप वासी हैं बोलते जिसको अरबी चीनी, मैं गर्व से कहता हूँ यारो, वह भाषा हमारी हिंदी है। वह भाषा हमारी हिंदी है, और जो संस्कृत से तो है निकली, पर शब्द हैं जिसमें उर्दू के भी, और फारसी अरबी पंजाबी के, हर शब्द जिसको सुंदरता देते, मैं गर्व से कहता हूँ यारो, वह भाषा हमारी हिंदी है। वह भाषा हमारी हिंदी है। और ये सुने, मेरे ख्याल से ऐसी साइंटिफिक भाषा दुनिया में कोई भी दूसरी नहीं होगी, और ये छंद सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बल्कि आप सब तो जानते ही होंगे, लेकिन इसमें मैंने वो बात पेश करने की कोशिश की है कि ऐसी साइंटिफिक भाषा दुनिया में कोई भी नहीं है, कि हैं वर्ण जिसके पंक्ति बद से, हैं वर्ण जिसके पंक्ति बद से, कुछ कंठ से निकले तो कुछ लब से, क्या बात कुछ है, कंठ से निकले तो कुछ लब से, एक वाह पंक्ति है वायु के जैसी, वाह वाह, क्या एक बात है, पंक्ति क्या है वायु के जैसी, कोई भाषा बताओ है ऐसी। बात और है, वाह देखें, वाह वाह वाह, जब आप पहली लाइन बोलते हैं क ख ग घ, तो यहां से शुरू होता है, और यहां से चलते 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 बिल्कुल चलते आपके मुख पे आता है, और फिर मुख खुल जाता है हवा के जैसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है। तो उसी को मैंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है कि हैं वर्ण हैं जिसके पंक्ति बद से, कुछ कंठ से निकले तो कुछ लब से, एक पंक्ति है वायु के जैसी, कोई भाषा बताओ है ऐसी, मैं गर्व से कहता हूँ यारो, वह भाषा हमारी हिंदी है। वह बहुत भाषा हमारी हिंदी है, और मेरी सुन के कविता हिंदी बोली। अब सुनिए ट्विस्ट, कि जी, मेरी सुन के कविता हिंदी बोली, बातें तो तेरी हैं चिकनी चपड़ी,
बातें तो तेरी हैं चिकनी चुपड़ी, हालत है मेरी क्या तुमने देखी, हालत है मेरी क्या तुमने तुमने देखी, देखी, मैं दाल बराबर घर की मुर्गी, क्या बात मैं है। दाल बराबर घर की मुर्गी, क्या गल क्या दिल से कभी कहते हो मुझे के प्यार तुम्हारी बस हिंदी है, के प्यार तुम्हारी बस हिंदी है, हर पल मैं तेरी तो सेवा करती, पर प्यार से मुझको देखा न कभी, संग होती फिरंगी जो तेरे कोई, तो मुख पे तेरे आ जाती हंसी। वाह बहुत वाह वाह वाह, क्या बात ठीक है, है, क्या बात लोग है, अंग्रेजी अंग्रेजी बोल के अपने आप को बहुत बूस्ट करते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उसको मैंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है कि हर पल मैं तेरी तो सेवा करती, पर प्यार से मुझको देखा न कभी, संग हो जो फिरंगी तेरे कोई, तो मुख पे तेरे आ जाती हंसी। दिल से भी तुम क्या कहते हो कभी, के प्यार तुम्हारी हिंदी है, के प्यार तुम्हारी बहुत हिंदी, खूब, के प्यार तुम्हारी हिंदी। बहुत 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 खूब, आपने बहुत खूब तुफैल जी, जो जुबान से जोड़ने की कोशिश की है, बिल्कुल नया प्रयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद, काबिले बहुत तारीफ धन्यवाद, आपने पसंद किया है। तो मेरी कविता पूर्ण हो गई। ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, और अब मैं आभार। आगे के लिए अपने जर्मनी से जोड़ना चाहूंगा अनस्थासिया तुर्कीना को। अनस्थासिया वैसे तो यूक्रेन की रहने वाली हैं, पर पिछले कुछ सालों से जर्मनी में निवास कर रही हैं और ये एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। अनस्थासिया भारत और भारतीयता की प्रशंसक और अनुयायी हैं, और आपको बता दूं कि पिछले साल से फॉयड जो है भारतीय कौंसल आवास हैम्बर्ग के प्रांगण में हिंदी सिखाने का काम कर रही है, और क्या अनस्थासिया वहां बात, पर हिंदी सीखने में बढ़ चढ़कर आनंद ले रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि अनस्थासिया मंच पर आए और वो अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती है मैथिली शरण गुप्त की। तो अनस्थासिया स्वागत है। स्वागत है। आप अनम्यूट कर लें या चलिए। हाँ सब ठीक है। मिस्टर गौतम सागर जी, निमंत्रण के लिए फिर से धन्यवाद। मैं हिंदू स्वागत हूँ और मुझे भारत और भारतीय संस्कृति से प्यार है। मैंने एफर्ट के बारे में एक कविता चुनी, मुझे आशा है आप इसे पसंद करेंगे। स्वागत है, क्या बात, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। न रो न निराश करो मन को, कुछ कम करो कुछ कम करो, जाग में रहे कर कुछ कम करो, यह है जन्म हुआ हिस अर्थ आहो, समझो जिसमें यहाँ व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, समलो की सुयोग न जाया चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भाला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया बात, अनस्थासिया, बहुत सुंदर बोला तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। तो अच्छी कविता, और आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि हिंदी ज्ञान दान लोगों को दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है, और मैं चाहूंगा कि आप आगे भी कार्यक्रम से जुड़े और आपकी जो रचनाएं हैं हम लोग सुनने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से भारतीय कौंसलावास का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपने प्रांगण में जगह दे रहे हैं जहाँ पे कि हम लोग ये सारा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो जॉयदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और अब मैं आगे बढ़ते हुए सीधा सीधे कन्हैया जी को बुलाना चाहूंगा। कन्हैया जी, आप अपनी कुछ प्रस्तुति प्रदान करें और उसके बाद आप मंच को भी थोड़ा आगे बढ़ाएं। जी जी, धन्यवाद गौतम जी। थोड़ी सी भूमिका मैं दूंगा कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आपने जो ये दूसरा कार्यक्रम जो आज आप लेके आ रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा से, वो बहुत बड़ी बड़ी बात है, और आप सब विदेश के लोगों को, सब रचनाकारों को आप जोड़ रहे हैं। आपने विशेष रूप से आज के पर्व के बारे में लोगों को शुभकामनाएं दे दी हैं, इसलिए मैं इस पर कुछ नई प्रकाश डालूंगा, और मुझे आपने संचालक बनाया है इसके लिए अलग से आपका आभार। जी जी गौतम स्वागत जी है। हमारे अच्छे मित्र हैं और हम लोग
सप्ताह में एक दो बार बात कर लेते हैं, तो इनके बातचीत करने से कभी कभी काफी देर तक बातचीत हमारी चलती है, तो इनका हम पर स्नेह बना रहता है। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें मैं दो पंक्तियां, जो जैसा कि तुफैल साहब ने कहा कि दो पंक्तियां मैं खाली बोल के आतब मैं कुछ एक दो मुक्तक, दो तीन मुक्तक और एक छोटी सी हिंदी की कविता मैं पढ़ूंगा। तो भाषा सौंदर्य की बिंदी है, भाषा सौंदर्य की बिंदी है और गर्व से कहो या हिंदी है, गर्व से कहो या हिंदी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं तीन चार जो मुक्तक है वो मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है कि एक दो मुक्तक आप लोगों ने पहले भी सुना होगा हिंदी के कार्यक्रम में, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कि विविधता में एकता से घुल मिलकर यह जिंदी है, विविधता में एकता से घुल मिलकर यह जिंदी है, सब भाषाओं में हिंदी अपनी पेशानी पर बिंदी है, पितृ संस्कृत मौसी उर्दू सब भाषाएं भाई बहन, पितृ संस्कृत मौसी उर्दू सब भाषाएं भाई बहन, और एक सूत्र में माँ के जैसी जोड़ने वाली हिंदी है, जोड़ने वाली हिंदी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कन्हैया जी। एक और प्रयोग देख लें कि हमेशा लोग उर्दू को मौसी और हिंदी को लोग माँ से संबोधित करता है, तो उसी में जैसा कि तुफैल साहब ने कहा कि वर्ण और अल्फाज को जोड़ने की जो कोशिश है वो मैं चार पंक्तियों में मैंने कोशिश की है कि माँ मौसी में जब घुल मिलकर लड़ाई होती है, माँ मौसी में जब घुल मिलकर लड़ाई होती है, क्लिष्ट हर्फ शब्द की जमकर खिंचाई होती है, क्लिष्ट हर्फ और शब्द की जमकर खिंचाई होती है, अल्फाज की नजाकत मिसरे में पैठ रखती है, अल्फाज की नजाकत मिसरे में पैठ रखती है और दोनों के तालमेल की जमकर खिंचाई होती है। बहुत बढ़िया। और एक और मुक्तक मैं बोल के तब मैं अपनी हिंदी वाले पे आऊंगा कि आप ये देखें कि शब्दों का जो प्रयोग है, बोलना लिखना और सुनना, सारी बड़ी आसान चीज है, तो हिंदी विधा सीखने में बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप ये देखिए कि शब्दों की रचना शुद्ध दही की तरह की है, शब्दों की रचना शुद्ध दही की तरह की है, तालू से लगा है तो चाशनी की तरह की है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, की तरह की है। बोलना सुनना लिखना तीनों पारदर्शी है, बोलना सुनना लिखना तीनों पारदर्शी है, हिंदी अधिग्रहण सरगही की तरह की है। सरगही मतलब जो सवेरे में लोग जो खाते हैं तीज में और सारी चीजों में, तो मैंने इसकी तुलना की है कि हिंदी अधिग्रहण सरगही की तरह की है, हिंदी अधिग्रहण सही सरगही की तरह की है। एक और मुक्तक देख ले, आप अच्छे से सुन रहे हैं, हिंदी ब्रह्म के साक्षात्कार की भाषा है, हिंदी ब्रह्म के साक्षात्कार की भाषा है, सनातन धर्म के पालनहार की भाषा है, इसकी जड़ें आदिकाल तक धसी हुई है, इसकी जड़ें आदिकाल तक धसी हुई है, यह सहज समृद्ध स्वीकार की भाषा है, यह सहज समृद्ध स्वीकार की भाषा है। और एक हिंदी की एक छोटी सी कविता है, ये मेरी कविता संग्रह जो गौतम साहब ने कहा ये किताब संवेदना किसे दी हुई है, तो इसका शीर्षक ही है हिंदी, और हिंदी को मैंने रोजगार से जोड़ने की कोशिश की है कि आप हिंदी को आप हमेशा रोजगार से जोड़े तो इसकी जो महत्ता है, इसका जो प्रसार विस्तार है वो बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल सही, उनका देखिए हिंदी, हिंदी तेरा आकार बड़ा हो, पेड़ फलक तक खड़ा हो, डालों पर हर प्रदेश की भाषाएं लगी हुई, परागन पर पुष्प की आशाएं लगी हुई, तो इसका इसके वर्चस्व का दायरा बढ़ाना होगा, तो इसके वर्चस्व का दायरा बढ़ाना होगा, उस पर से बहुभाषिता और प्रांतीयता के बोझ को हटाना होगा, कार्यालय से अब कैसे करेंगे, तो कार्यालय से अंग्रेजी भाषा हटाओ, न्यायिक प्रणाली में हिंदी को लाओ, इसे आम बोलचाल की भाषा बनाओ,
रोजगार और प्रतिष्ठा से जोड़ो, रोजगार और प्रतिष्ठा से जोड़ा जोड़ो, एकला चलो रे की जिद छोड़ो, एकला चलो रे की जिद छोड़ो, धरती पर हिंदी भाषा के स्वस्थ संस्कृति उगाओ, सब भाषाओं से शब्द मंगाओ। अब देखिए बहुत सा हिंदी का भाषा अंग्रेजी में आ गया है, वो लाठी मंदिर सारी चीजें बंदोबस्त घेराव हम लोग क्यों नहीं मंगा सकते हैं? तो सब भाषाओं से शब्द मंगाओ, भाषाई भ्रष्टाचार न सहो और न सहने दो, इसकी छत छाया को निरंतर बहने दो। और यही तीन चार पंक्तियों में इसका सार है कि ताकि क्षेत्रीय भाषाओं के पौधे के साथ साथ हिंदी का वट वृक्ष बढ़े, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं के पौधे के साथ साथ हिंदी का वट वृक्ष बढ़े और प्रगति पुष्प सदा खिलता रहे, सदा खिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अवसर पर बोलने के। बहुत 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 शुक्रिया कन्हैया जी, और आपने इतने अच्छे से हिंदी की बात रखी, और खुशी की बात है कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब थोड़े सा फेर बदल करते हुए मैं उनको मंच पे बुला लूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार वाजपेयी जी इतने सुबह सुबह अमेरिका से जुड़ने के लिए। सुबह के कुछ 5:15 बज रहे होंगे और आपने इतना मेहनत करके इतनी मेहनत करके जुड़े हैं, तो बहुत बहुत आभार। नहीं, आप सबका अभिनंदन, और बहुत कोई मेहनत वाली बात नहीं, सिर्फ एक अलार्म लगाना होता है। तो जी मैं छोटा सा एक कार्यक्रम का एक जो रूपरेखा होता है उसके अनुसार आपकी छोटी से परिचय दे दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर जरूर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कवि और साहित्यकार या कहें गजलकार जुड़ चुके हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे आकाशवाणी के भीष्म पितामह हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सालों तक आकाशवाणी से अच्छी अच्छी बातें कही। और जहां तक मुझे याद आता है, वो सबसे ज्यादा याद आता है लाल किले के मंच से स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस की आंखों देखी प्रसारण, तो वो चीजें मेरे जहन में है। और मैं वाजपेयी जी के बारे में क्या ज्यादा बोलूं, बस इतना ही बोलूंगा कि इन्होंने 25 से ज्यादा देशों में भारत के साहित्य का प्रतिनिधित्व किया है, और 2013 विश्व कविता समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र कवि थे। और इनके कार्यों के लिए जैसा कि हम सभी सोच सकते हैं अनगिनत सम्मान दिए गए हैं, और इन्होंने सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ मिलकर अनेकों कार्य किए हैं। तो मैं ऐसा सौभाग्य समझता हूं कि आपने निमंत्रण स्वीकार किया, तो कृपया मंच पर आए, हम लोग सुनने को उतारू हैं। नमस्ते वाजपेयी जी। नमस्ते नमस्ते। बड़े भाई लक्ष्मी शंकर जी को मैं बड़े भाई बोलता हूं, और अभी इनका हाल में जन्मदिन था तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का। आप अमेरिका से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कहना भी जरूरी है कि आप सब लोग जो प्रवासी भारतीय हैं या भारतवंशी हैं, वो हिंदी के लिए जो कर रहे हैं वो अतुलनीय है। और आप जानते हैं भारत में तो ये है ही है कि जो अगर कुछ विदेश से है तो वो ज्यादा आकर्षक हो जाता है, तो आप लोग जब हिंदी की बात करते हैं वो बहुत प्रभावशाली बन जाती है। और खाली ये नहीं कि आप अलग अलग देशों में ऐसे ऐसे काम करें जो भारत में नहीं हो रहे हैं। मैं अब उस वक्त समय नहीं है, वरना में वो भी पूरा ब्यौरा है मेरे पास। तो इतने सारे देशों में आप जिस जिस तरह से हिंदी के लिए तरह तरह के माध्यम से और काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। और इसी तरह बस वो मानसिकता का सिर्फ सवाल है, वो जब से ही हट जाएगी भारत में तो हिंदी बहुत दूर तक जाएगी। अब सबसे बड़ी लड़ाई यही कि हमारे इस संयुक्त राष्ट्र की 7वीं आधिकारिक भाषा बन जाए, बस वहां तक लगना है। लेकिन उससे पहले भारत में तो हिंदी वो पूरी तरह से आए, अपना सम्मान अपनी प्रतिष्ठा पा जाए, ये सबसे बड़ी लड़ाई। जी गौतम जी। जी जी, स्वागत है सर। आप अपनी कुछ गजलें या जो भी आप सुनाना चाहते हैं सुनाएं, आपका स्वागत है। जी जी। तो घड़ी में नहीं लाया, देखिए हड़बड़ी में थोड़ा सा तो आप बता दीजिएगा। जी जी जी। जिद में मुक्तकों से शुरू करता हूँ, दो मुक्तक हैं कि ये घड़ी वक्त, ये घड़ी उम्र की बस, ये घड़ी वक्त की बस चलती चली जाती है, ये घड़ी वक्त की बस चलती चली जाती है, और इरादों की घड़ी टलती चली जाती है। एक तरफ बोझ है अरमानों के सर पे अनगिन, एक तरफ बोझ है अरमानों के सर पे अनगिन, और ये उम्र की बस ढलती चली जाती है।
तो एक नया फॉलोअर आ गया। क्या बात है, क्या बात है, तो इसलिए क्या बात जी बहुत है। शुक्रिया करना ही आपकी है। चीजें हम लोग फेसबुक पर पढ़ते हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनने का जो अंदाज है वो इसको बहुत बड़ा बनाता है। बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा आप करना समाधान यही है कि पंख फैलाएंगे परवाज करेंगे हम लोग, पंख फैलाएंगे परवाज करेंगे हम लोग, एक नया जीने का अंदाज करेंगे हम लोग, पंख फैलाएंगे परवाज करेंगे हम लोग, एक नया जीने का अंदाज करेंगे हम लोग, जो गलत होता रहा धूल गिरा के उस पे एक नए दौर का आगाज करेंगे हम लोग, क्या नए बात है, दौर क्या का बात है, आगाज क्या बात करेंगे है, हम लोग। तो क्या ये बात दो है, क्या मुक्तक थे संदेश। जी, बहुत शुक्रिया। और बस एक गजल, एक बिल्कुल छोटी बहर की छोटी सी गजल, और उसके बाद एक गजल और बस समापन। और ये वो गजल यूं है कि फूल कागज के हो गए जब से, फूल कागज के हो गए जब से, खुशबुएं दर बदर हुई तब से, कि फूल कागज के हो गए जब से, खुशबुएं खुशबू है, दर क्या बात बदर दर बदर हुई हुए। तब से। और शेर ये है कि कुछ किसी से भी मांगना ना पड़े, कुछ किसी से भी मांगना ना मांगना ना पड़े, पड़े, हमने मांगा है बस यही रब से। कि वाह वाह क्या बात है, हमने क्या मांगा है बात, बस यही रब से, कुछ किसी क्या से बात भी है। मांगना ना पड़े, हमने मांगा है बस यही रब से। और जब से पानी नदी में आया है, जब से पानी नदी में आया है, हम भी प्यासे खड़े हैं बस तब से, कि जब से पानी नदी में आया है क्या हम भी बात है, प्यासे खड़े हैं बस तब से। और शेर यह है कि लाख धोखा है उसकी, लाख धोखा है उसकी बाजीगरी, लाख धोखा है उसकी बाजीगरी, लोग तो खुश हैं उसके करतब से, कि लाख धोखा है उसकी बाजीगरी, क्या बात है, क्या लोग तो खुश हैं उसके करतब से। और आखिरी शेर यह है बात है, कि जिंदगी को मयार कैसे मिले, मकतब यानी पाठशाला, कि जिंदगी को मयार क्या कैसे मिले, हमने सीखा है गम के मकतब से, कि जिंदगी को मयार बात, कैसे मिले, हमने सीखा है गम के बहुत मकतब से। क्या और बात अब है। बस एक गजल और बस, और उसके बाद समापन। ये गजल यूं है कि जी स्वागत, हाँ, ये मेरे इसके इस गजल के बाद से मेरे ख्याल से 70-80 गजलें और हो चुकी हैं, लेकिन ये गजल मुझे प्रिय इसलिए सुना रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चुनिंदा गजल को सुनाने के लिए इस मंच को चुना। जी, कि छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, कि क्या कोई बात भी है, शख्स, बहुत शुक्रिया, बहुत कि छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। और शेर ये है कि हकीकत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, कि असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है। कि लोगों क्या बात है, बहुत क्या बिल्कुल सही बात, लोग बोलते हैं कि बहुत जुबान शुक्रिया, खोलते ही पता चल जाता है आदमी के बारे में। बहुत शुक्रिया, कि असल बहुत कि हकीकत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है। और शेर ये है आज के दौर के एक दुविधा की, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है, वो क्या बात है, तड़पे है बहुत पिता माँ की यही अंतिम निशानी है। और क्या शेर बात ये है, है, बहुत शुक्रिया, कि गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूँ, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूं जिए जाने की ठानी है, मगर मैं भी वो आहा, जिद्दी बहुत कि खूब, गम बहुत गमों की खूब, है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूं जिए जाने की ठानी है। और शेर ये है कि देखिए, मैं विज्ञान का छात्र हूं तो इसलिए ये शेर कहता हूं, मैं मानता हूं कि कोई साइंटिस्ट नास्तिक नहीं हो सकता। शेर सुनिएगा, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी ये चादर जिसने तानी है, वो कैसी शख्स क्या
क्या बात है, क्या बात है, करो करो बहुत महसूस उस रब को, उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी ये चादर जिसने तानी है। और एक नाजुक सा शेर ये है, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से तो बस ठहरा सा पानी है, कि जो अब बहुत छूटा खूब, है दरिया से तो बस ठहरा सा पानी है। और हिंदी दिवस पर ये कार्यक्रम आप सब कर रहे हैं, कि सभी भाषाएं अच्छी हैं मगर हिंदी तो हिंदी है, कि सभी भाषाएं अच्छी हैं मगर हिंदी तो अरे हिंदी है, इसी में सूर तुलसी है यही कबीरा की बानी है, वाह इसी क्या में। बात है, क्या बात है, बहुत गजब, बहुत खूब, खूबसूरत पंक्ति, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया। कि बेहतरीन, सभी भाषाएं अच्छी हैं मगर हिंदी तो हिंदी है, इसी में सूर तुलसी है यही कबीरा की वाणी है। और एक शेर ये गजल का शेर, की गजल का शेर है हम तुम अधूरे एक दूजे बिन, कि गजल का शेर है हम तुम बहुत अधूरे एक दूजे बिन, जो मैं मिसराए ऊला हूँ तो तू मिसराए सानी है, जो मैं मिसराए मिसराए ऊला हूँ उला हूं तू मिसराए तू सानी मिसराए है। सानी है। और गजल का बहुत आखिरी शेर ये है, ये हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें, ये हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें, अब उसका नाम जो भी हो उसी की मेहरबानी है, अब उसका नाम क्या जो बात, भी हो क्या उसी की बात, मेहरबानी है, छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। बहुत 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 कोई शुक्रिया, भी बहुत सब बहुत 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 ही सुंदर बिल्कुल वाजपेयी जी, आप जब भी मंच पर आते हैं तो मन तो नहीं करता कि आपको सुनना बंद करें, ये हर बार ऐसा ही होता है, और हमारी बातें सिप्रा जी से भी होती है, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपको जब आप जब सुनाते हैं तो लगता है बस सुनते ही रहें सुनते ही रहें। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से जुड़ने के लिए आभार, और मैं आप लोगों को एक यहाँ पे बड़े हो बहुत ही परिचित शख्स बैठे हुए हैं, उनसे मैं आप लोगों को परिचय करा दूं जो लोग नहीं जानते हैं। प्रोफेसर विक्टर स्मिथ से, ये हमारे ब्रेमन शहर में रहते हैं, जर्मनी के समुद्र विज्ञानी हैं, और भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित हैं, और हिंदी में इनकी बहुत बड़ी रुचि है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया विक्टर जुड़ने के लिए, और अब मैं आप लोगों को आगे ले जाने के लिए कन्हैया जी से आग्रह करूंगा कि कन्हैया जी आप हमें अब ऑस्ट्रेलिया तक की दूरी तय करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब। और मैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया लक्ष्मी शंकर जी वाजपेयी जी की सारी जो वो गजल और उनके शेर सुनकर, बहुत ही उमदा लिखते हैं, बिल्कुल बोलता हुआ चीज सर। बहुत बहुत आपका आभार, आप जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम से, हम लोग का सौभाग्य है। मैं भी एक शख्सियत से चाहता हूँ जो आज जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय कराना। बहुत बड़े मेयार के व्यक्ति हैं, परवेज मुजफ्फर साहब। परवेज मुजफ्फर साहब हिंदुस्तान के बहुत ही उम्दा जो गजलकार हैं, मुजफ्फर हनफी साहब के सुपुत्र हैं, और यहाँ ओ भी अच्छा, क्या बात तो क्या, मुजफ्फर हनफी साहब के सुपुत्र वहां जुड़े हुए परवेज साहब। मैं चाहूंगा कि परवेज साहब अपना वीडियो अप ऑन करें ताकि लोग आपको देख पाए, और ये हमारे गीतांजलि के संस्था से भी जुड़े हुए हैं परवेज साहब, वो लगता है कि वो नहीं उपलब्ध है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी जी को बुलाना चाहूंगा। ये मेरे साथ एलपीजीआई इसे की भी मेंबर है, और इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है। तो इनके बारे में थोड़ी मैं भूमिका दे दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये मनोविज्ञान में MA MD MPhil वाली बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त है, और उन्होंने स्नातकोत्तर मतलब मास्टर्स की भी डिग्री ली हुई है, और 2003 से शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेशन और हिंदी शिक्षिका है, और ये भूतपूर्व हिंदी ट्यूटर प्रौढ़ शिक्षा सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन सिडनी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी पुस्तकें इनकी आई हैं, 14 पुस्तकें हैं, और ये लेखन भी करती हैं, संपादन भी करती हैं। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ रेखा जी को बुलाना चाहूंगा। वहां ऑस्ट्रेलिया में भी करीबन 10:15 के आसपास हो रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि इनको पहले बुलाकर मैं इनके उनका कारोबार सुन लूं। स्वागत है रेखा जी। जी बहुत बहुत सबको नमस्कार प्रणाम। वाजपेयी जी हैं, शार्दुला हैं, बहुत से जाने पहचाने मित्र लोग हैं आप लोग,
और हिंदी दिवस का आप लोगों ने आयोजन किया है और इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भूमिका ना बांधते हुए जैसे कि पर ये चल रहा है, मैं उसी रॉ में सिर्फ दो गजलें आपको सुनाऊंगी। आपने कहा था गौतम जी कि नई होनी चाहिए, एक पुरानी और एक नई की इजाजत लेती हूँ। उसके पहले कुछ पंक्तियां। जब याद देश की आती है, मन बिखर बिखर सा जाता है। जब याद देश की आती है, मन बिखर बिखर सा जाता है। वो किस्से और कहानी सा, वो दादी सा, वो नानी सा, वो पापा की मनुहारों सा, वो माँ की प्यार दुलारों सा, आंचल में लिपटी यादों सा, मित्रों की मीठी बातों सा, वो गुड़ से मीठी हिंदी सा, वो गुड़ से मीठी हिंदी सा, भारत माता की बिंदी सा, हर पल मुझको तरसाता है। जब याद देश की आती है, मन बिखर बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये छोटा सा कुछ हिंदी के प्रति अपने और देश के प्रति उद्गार व्यक्त करते हुए मैं एक पुरानी गजल, जैसा कि मैंने कहा था, इसकी भूमिका वाजपेयी जी ने लिखी और वाजपेयी जी हमारे साथ है और उनके साथ आकाशवाणी में भी जुड़े रहने का अवसर मिला। तो पहले तो मैं सोचती हूँ ये सुना दूं। अशकों की बरसाते लेकर, अशकों की बरसाते लेकर लोग मिले, अशकों की बरसाते लेकर लोग मिले, और गम में भीगी रातें लेकर लोग मिले। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अशकों की बरसाते लेकर लोग मिले, गम में भीगी रातें लेकर लोग मिले, पूरी एक कहानी कैसे बन पाती, कतरा कतरा बातें लेकर लोग मिले। बहुत खूब शुक्रिया। भर पाते नासूर दिलों के कैसे जब, भर पाते नासूर दिलों के कैसे जब, जहर बुझी सौगातें लेकर लोग मिले। भर पाते नासूर दिलों के कैसे जब, जहर बुझी सौगातें लेकर लोग मिले, और अब गैरों से क्या शिकवा करने जाएं, अब गैरों से क्या शिकवा करने जाएं, अपने को ही माते देकर लोग मिले। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर है, आशिक का टूटा दिल कोई क्यों देखे, आशिक का टूटा दिल कोई क्यों देखे, जब अपनी बारातें लेकर लोग मिले, और अशकों की बरसातें लेकर लोग मिले, गम में भीगी रातें लेकर लोग मिले। तो ये मेरी जिसकी भूमिका वाजपेयी जी ने लिखी थी। तो अब जो एक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक जो मैं अपनी गजल सुनाने जा रही हूँ, मेरी नई किताब से है, जिसका शीर्षक है इश्क है, ख्वाब है, कहानी है। लेकिन इसकी गजलें जरूरी नहीं है सारी रोमांटिक हो। तो जो गजल मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, आज पेश कर रही हूँ, वो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। उम्र भर घर में रहा, अपनों से अनजान रहा। क्या बात है। उम्र भर घर में रहा, अपनों से अनजान रहा, शख्स दीवाना था, दुनिया से परेशान रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आभार। उम्र भर घर में रहा, अपनों से अनजान रहा, शख्स दीवाना था, दुनिया से परेशान रहा, कुछ खरीदार जो आते रहे जाते भी रहे, कुछ खरीदार जो आते रहे जाते भी रहे, ख्वाहिशें बिक गई सारी, वो बस दुकान रहा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कुछ हवा ऐसी बही, बच्चे उड़े तिनके से, कुछ हवा ऐसी बही, बच्चे उड़े तिनके से, रौन के जिसमें थी खाली वही मकान रहा, रौन के जिसमें थी खाली वही मकान रहा, और वो सफर में था कहीं लौट के ना आ पाया, वो सफर में था कहीं लौट के ना आ पाया, एक नजर देख ले माँ का यही अरमान रहा, और लोग हैवान हुए कैसे निभाते रिश्ते,
लोग हैवान हुए कैसे निभाते रिश्ते, गैर का दर्द जो समझा वही इंसान रहा। और आखिरी शेर है, जो मोहब्बत हुई उससे तो ये एहसास हुआ, जो मोहब्बत हुई उससे तो ये एहसास हुआ, वही गजलों का वही नज्मों का उन्वान रहा, वही गजलों का वही नज्मों का उन्वान रहा, उम्र भर घर में रहा, अपनों से अनजान रहा, शख्स दीवाना था दुनिया से परेशान रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर रेखा जी। तो दुनिया से परेशान रहा और अनजान रहा, क्या आपने जोड़ा है लदीफ और काफिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं और मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि शार्दुला जी जो है नोबिता जी वो आए, ये सिंगापुर से जुड़ रही हैं और ये हमारे मिथिला बिहार की हैं, तो मैं मेरे अपने प्रांत से हैं, तो मैं इनके बारे में कुछ बातें मुझे बता दूं कि ये गौतम जी के का जो देश है जर्मनी से इन्होंने कम्युनिकेशनल अभियंत्री में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है। 27 सालों से ऊर्जा एवं तेल एंड गैस क्षेत्र में कार्यरत हैं। बचपन से इन्हें कविता लिखने का शौक रहा है और पिछले 15 सालों से उन्होंने 250 से अधिक कविताएं लिखी हैं, जो इनकी कविताएं कई काव्य संकलनों में, पत्रिकाओं में, कविता कोष में छप चुकी हैं। अभी ये सिंगापुर में हैं और सिंगापुर से जुड़ रही हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए ये कार्यरत है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं चाहता हूँ कि शार्दुला जी आए मंच पर और अपनी अपनी रचना हम लोगों को पेश करें। स्वागत है शार्दुला जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और सबको मकर संक्रांति का प्रणाम। बहुत मेरे बहुत प्रिय अग्रज हैं यहाँ, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, रेखा राजवंशी जी हैं और प्रिय मित्र भी हैं, शिप्रा हैं, पूजा अनिल जी हैं और कृष्ण कन्हैया जी, आपका और गौतम जी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जोड़ने का। दो छोटी कविताएं हैं, देखते हैं समय के हिसाब से मैं पढ़ती हूँ। एक तो आज उत्तरायण सूर्य पे है, तो कविता का शीर्षक है स्वागतम उत्तरायण सूर्य है। खिलते हैं सखी वन में टेसु, खिलते हैं सखी वन में टेसु, फागुन भी अब आता होगा, धरती ओढ़े लाल चुनरिया, गीत गगन मृदु गाता होगा। क्या बात है पगड़ी बांधे अरुण पात की, पगड़ी बांधे अरुण पात की, वृक्ष खड़े हैं श्रद्धा नत हो, स्वागतम उत्तरायण सूर्य है, रश्मि रोली मेघ अक्षत लो। क्या बात, स्वागतम उत्तरायण सूर्य है, रश्मि रोली मेघ अक्षत लो, हरित पहाड़ों की पगडंडी। अब इतने जब सूर्य प्रवेश कर रहे हैं मकर उसमें, तो प्रकृति क्या करेगी, तो हरित पहाड़ों की पगडंडी रवि दर्शन को दौड़ी जाए, हरित पहाड़ों की पगडंडी रवि दर्शन को दौड़ी जाए, चित्र लिखित सा खड़ा चंद्रमा इस पथ जाए उस पथ जाए। क्योंकि क्या बात है उगता है, भी आपको सफेद सा चंद्रमा उस वक्त दिखता है, तो हरित पहाड़ों की पगडंडी रवि दर्शन को दौड़ी जाए, चित्र लिखित सा खड़ा चंद्रमा इस पथ जाए उस पथ जाए, आज क्लांत मत रह तू मनवा, तू भी धवल वस्त्र धारण कर, आज क्लांत मत रह तू मनवा, तू भी धवल वस्त्र धारण कर, स्वयं प्रकृति से जुड़ जा तू भी, सकल भाव तेरे चारण भर। यानी जब कहते हैं खुशी नहीं है तो आप खुश हो ऐसा करिए, तो भाव जो है वो हमारे द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं, तो स्वयं प्रकृति से जुड़ जा तू भी, सकल भाव तेरे चारण भर, स्वागतम उत्तरायण सूर्य है। और एक दो छंद की कविता है, बिहार की है और कन्हैया जी ने बोला वो मिथिला से, तो मैंने कहा चलो ये जरूर सुना देती हूँ। जी जी स्वागत है, स्वागत है। छापे माँ तेरे हाथों के, कोहबर की दीवारों जैसे, कोहबर हमारी शादियों में, मिथिला की शादी में होता है,
गोबर की दीवारों जैसे मेरे अंतर के आंगन में धुंधले से पर अभी तलक हैं छापे माँ तेरे हाथों के। क्या बात है, क्या बात। गोबर की दीवारों जैसे मेरे अंतर के आंगन में धुंधले से पर अभी तलक हैं छापे माँ तेरे हाथों के। कच्चे रंग की पक्की स्मृतियां, कच्चे रंग से गोबर छापते हैं, कच्चे रंग की पक्की स्मृतियां सब कुछ याद कहाँ रह पाता। कच्चे रंग की पक्की स्मृतियां सब कुछ याद कहाँ रह पाता। स्वाद खुशबुएं गीतों के स्वर कतरे कुछ प्यारी बातों के छापे माँ तेरे हाथों के। क्या बात है। फिर एक जीवन का सच कि हरदम एकमत कहाँ हुए हम, हरदम एकमत कहाँ हुए हम। बहसों की सिगड़ी में तापी क्या बात, पहरी के ऋण उतने ही। हरदम एकमत कहाँ हुए हम, बहसों की सिगड़ी में तापी दोपहरी के ऋण उतने ही। जितने स्नेहमयी रातों के छापे माँ तेरे हाथों के। क्या बात, कुछ प्यारी बातों के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी रचना हमेशा बहुत ही स्पर्शी होती है और एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 37 साल के बाद मैंने कोहबर सुना है। शादी की बात याद आ गई कि कैसे कोहबर बनता था, तो इसे ठीक शब्द से अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि जो गौतम साहब है वो मंच संभाले और आगे कार्यक्रम बढ़ाए। जी शुक्रिया, शुक्रिया कन्हैया जी, शुक्रिया शार्दुल जी। तो अब मैं वापस अपने देश में आना चाह रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ते हुए जर्मनी में निवास करने वाली शिक्षाविद, पत्रकार, साहित्यकार, अनुवादक एवं मीडिया इंस्ट्रक्टर डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। स्वागत है शिप्रा जी। शिप्रा जी हिंदी साहित्य के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय में डॉक्टरेट हैं, लखनऊ दूरदर्शन आकाशवाणी में लंबे समय तक कार्य कर चुकी हैं, तो आज हमारे साथ आकाशवाणी वाले काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। फैजाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं, सांस्कृतिक ग्लोबल संस्था सृजनी की सह संस्थापिका सदस्य हैं, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए अनेकों सम्मान से सम्मानित हैं। और मैं निवेदन करता हूँ शिप्रा जी कृपया मंच पर आए। स्वागत है शिप्रा जी। सभी को मेरा प्रणाम और सर्वप्रथम जॉयदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार सर। हम सबको हिंदी के प्रति आपका समर्पण देकर हम सब अत्यंत उत्साहित हैं। गौतम सागर जी, डॉक्टर कृष्ण कन्हैया सर, शार्दुला दी यहाँ पर हैं उपस्थित, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं और जितने भी माननीय उपस्थिति हैं, सभी को नमन करते हुए सीधे सीधे अपनी रचना पर आऊंगी कि संक्रांति के पर्व की अद्भुत अनुपम बात, सौभाग्य के सूर्य को लाता अपने साथ। तो कुछ दोहे आज आप सबके लिए और एक छोटी सी रचना जिसे गेय रूप में गाऊंगी कि गूंज रही है कान में वीणा की झनकार, गूंज रही है कान में वीणा की झनकार, अर्पण है माँ आपको बाहों का यह हार, अर्पण है माँ आपको भावों का यह हार। और सदराहों पर हम चलें देकर सबको प्यार, सदराहों पर हम चलें देकर सबको प्यार, गैरों के संग भी करें अपनों सा व्यवहार, गैरों के संग भी करें अपनों सा व्यवहार। ये जो पर्व है यही हमको सिखाता है कि मान सदा करते रहें सबको देकर प्यार, मान सदा करते रहें सबको देकर प्यार, और अपनों संग संवाद में कब होता व्यापार, अपनों संग संवाद में कब होता व्यापार। और कलम हमारी सच लिखे, कलम हमारी सच लिखे, भरे काव्य भंडार, हर पल जीवन का बने प्रेम भरा त्योहार, हर पल जीवन का बने प्रेम भरा त्योहार। बहुत सुंदर शिप्रा जी, बहुत सुंदर। निष्ठा और लगन बने जीवन का आधार, निष्ठा और लगन बने जीवन का आधार, सोच हमारी शुद्ध हो पावन मन का द्वार, सोच हमारी शुद्ध हो पावन मन का द्वार। और रहें भले परदेश में, रहें भले परदेश में करें देश का गान, रहें भले परदेश में करें देश का गान, कर्म सदा ऐसे करें बढ़े देश का मान, कर्म सदा ऐसे करें बढ़े देश का मान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदर। बहुत सारे पर्वों की आज श्रृंखला है,
तो इस अवसर पर आप सबके लिए एक मंगल रचना लिखी है जिसे गेय रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत स्वागत। मंगलम 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 शुभ शुचित मन मुदित शुभ दिवस आगमन। मंगलम 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 शुभ शुचित मन मुदित शुभ दिवस आगमन। दीप नेकी के आओ जलाए यहाँ, प्रेम ही प्रेम हो बुंदे ऐसा जहाँ, मुस्कुराहट धर्म तुलसी दल सा हो मन। मुस्कुराहट धर्म तुलसी दल सा हो मन। मंगलम 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 मंगलम। वाह वाह वाह। कामना है यही मिलके संग में चले, कामना है यही मिलके संग में चले, बैर ना हो कहीं प्रेम ही बस पले, बैर ना हो कहीं प्रेम ही बस पले। दीपो सायूं सजे आप सब का जीवन, दीपो सायूं सजे आप सब का जीवन। मंगलम 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 मंगलम। प्रेम की रागनी प्रेम का गान हो, क्या चाहिए आज के जीवन में कि प्रेम की रागनी प्रेम का गान हो, चहुदिश प्रतिपल शंख का नाद हो। चंदन सा महके आप सब का चमन, चंदन सा महके आप सब का चमन। मंगलम 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 मंगलम। मंगलम 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 मंगलम। शुभ शुचित मन मुदित शुभ दिवस आगमन। मंगलम 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 मंगलम। शुभ शुचित मन मुदित शुभ दिवस आगमन। तो आप सबका जीवन खुशियों से भरा रहे आज इस विशेष पर्व के अवसर पर, आप सबको यही शुभकामना। बहुत बहुत आभार गौतम जी आज के कार्यक्रम में आमंत्रित। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर शिप्रा जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो अब मैं चाहूंगा कि जो फेडरेशन जो फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा के जो संस्थापक हैं और इस कार्यक्रम के जो संचालक है, मैं अपने मित्र गौतम सागर को चाहूंगा बुलाना कि वो मंच पर आए और ताकि हम लोग उनकी कविताओं का रसा स्वादन कर पाए। इनके बारे में मैं थोड़ी बहुत इनके बारे में बोलना शुरू करूँगा तो मुझे काफी बोलना पड़ेगा। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि विगत दो दशक से ये जर्मनी के हैनोवर शहर में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और विभिन्न विषयों में शोध करते रहते हैं और इस FOID के माध्यम से सागर साहब दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सब लोगों को जुड़े रखते हैं। आप इसका एक उदाहरण तो अभी ही देख रहे हैं। और जर्मनी का जो इंडियन एसोसिएशन है इसके अध्यक्ष पद पर हैं और अनेक नए कार्य करते रहते हैं और लोगों को सुझाव देते रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट किए हुए हैं इसलिए डॉक्टर गौतम सागर कहते हैं और ये परस्पर शैक्षणिक व्यवसायिक साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजन और संचालन करते रहते हैं। और मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं इनके साथ जुड़ के मैंने कई कार्यक्रम किए हैं। सबसे ज्यादा इनका जो उल्लेखनीय काम है वो 2020 में जब कोविड की महामारी थी इस दौरान इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरे विश्व के लोगों को जोड़े रखा है एक साथ वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इन्होंने कई सारे राहत के काम भी किए हैं जैसे कि भारत के दूतावास बर्लिन जर्मनी सब लोगों को मिलाकर इन्होंने अच्छे से सहयोग दिया है। तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने मित्र डॉक्टर गौतम सागर साहब को मंच पर बुलाता हूँ ताकि वो आके अपनी रचना पेश करें। स्वागत है, स्वागत स्वागत है बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। और मैं सबसे पहले की अपनी कुछ बातें रखूं। मैं सबसे पहले
जो भी हमारे घनिष्ठ मित्र और परिवार के सदस्य जुड़े हैं उन सबों का आभार कि यहाँ पर जुड़ के मुझे हौसला बढ़ा रहे हैं। मेरे बहुत सारे प्यारे मित्र जुड़े हैं और परिवार के सदस्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोग समय के से पीछे चल रहे हैं, तो उसको मैं अपने तरह से संभालने की कोशिश करूँगा। तो मैं बहुत ही छोटे एक दो सुना के और मैं बाकी लोगों को समय देना पसंद करूँगा। तो सुनिएगा एक बहुत छोटी सी बात हिंदी के ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी जो हमारी शब्द है वो पर्शियन शब्द है, क्योंकि बड़ी मारामारी होती है कि शुद्ध हिंदी हिंदी, तो उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। पराये से पाया नाम, पराये से पाया नाम घर में पाया सम्मान, पराये से पाया नाम घर में पाया सम्मान, देवनागरी लिपि से है हिंदी का अभिमान, देवनागरी लिपि से है हिंदी का अभिमान। बहुत खूब, बहुत खूब। और अभी जैसे कि युद्ध का माहौल बना है हर तरफ, तो उस पर मुझे लगता है कि भाई सबसे ज्यादा हमें प्यार मोहब्बत की जरूरत है, तो मैंने उस पर लिखी है प्यार मोहब्बत इश्क प्रेम, प्यार मोहब्बत इश्क प्रेम या कहो आशिकी, प्यार मोहब्बत इश्क प्रेम या कहो आशिकी, एको अहम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। बहुत अच्छा, ना भूतों ने भविष्य का इस्तेमाल किया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक और युद्ध के क्षेत्र को ही ध्यान में रखकर, चैन की तलाश में हम, चैन की तलाश में हम बेचैनी को गले में बांध रखे हैं, चैन की तलाश में हम बेचैनी को गले में बांध रखे हैं, अमन की तलाश में हम बंदूकों को हाथों में ले रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक मुक्तक मैं सुनाऊंगा। पिछले वर्ष मैं ग्रीस गया था अपनी छुट्टियां मनाने पर, मैं वहां दावा नल में फंस गया और स्थिति बड़ी ही मुश्किल थी, बड़े मुश्किल से मैं बच के निकल पाया अपने परिवार के साथ। तो उसको मैंने लिखा है, गुजरा हुआ वक्त है अब क्या सोचना, गुजरा हुआ वक्त है अब क्या सोचना, बिखर कर संभल गया अब क्या सोचना, मुकद्दर ने की थी फुर्सत में तैयारियां, मुकद्दर ने की थी फुर्सत में तैयारियां, मिला जो तजुर्बा अब क्या सोचना, अब क्या सोचना। बहुत बढ़िया बात, पूरा आपने चित्रण किया है अपने साथ जो घटित घटना है उसका, बहुत बहुत खूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक और छोटी सी मुक्तक सुनाना चाहूंगा, सत्य अहिंसा के वचनों को, सत्य अहिंसा के वचनों को कहां किसी ने नकारा है, सत्य अहिंसा के वचनों को कहां किसी ने नकारा है, बुद्ध महावीर के वचनों को कब किसी ने दलकारा है। क्या बात है, गीता के ज्ञान को लेकर, गीता के ज्ञान को लेकर बहुतों ने जीवन संवारा है, प्रेम ज्ञान की महत्ता पर, प्रेम ज्ञान की महत्ता पर कितनों ने पुकारा है, कितनों ने पुकारा है। बहुत खूब, बहुत खूब गौतम साहब। और मैं आखिरी मुक्तक सुना के खत्म करूंगा, सुनिएगा। तुम्हारी फाइलों में यहाँ का मौसम रूहानी है। आजकल सब कुछ कागजों में ही सिमटता जा रहा है, तो उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है। कागज शायद एक इंसान से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। तुम्हारी फाइलों में यहाँ का मौसम रूहानी है, ये नजारा झूठा है, ये बातें महज कहानी है। तुम्हारी फाइलों में यहाँ का मौसम रूहानी है, ये नजारा झूठा है, ये बातें महज कहानी है। अगर धरातल पर उतरना हो तुम्हें, अगर धरातल पर उतरना हो तुम्हें, पूछना किसी और से, पर मर्जी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है गौतम साहब, बहुत ही उम्दा आपने अपनी रचना पेश की है। इसके पहले कि मैं आगे के जो कवि हैं उनको मैं बुलाऊं, मैं दो लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो श्रोता से जुड़े हुए हैं। एक तो हमारे कपिल कुमार जी हैं, वो एक बहुत ही बड़े राइटर हैं और उनका मैं स्वागत करता हूं। और दूसरे एक डॉक्टर हरनेक सिंह गिल जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ये हरनेक सिंह गिल जो जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही उम्दा हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं खालसा कॉलेज में। तो मैं इन लोगों के जुड़ने से इस प्रोग्राम की महानता पर मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है जुड़ के, और हम लोग का हौसला अफजाई इन्होंने की है।
अब मैं अजय के साथ बुलाना चाहूंगा तंजानिया से अजय गोयल साहब को। अजय गोयल साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें। ये तंजानिया के एक समाचार पत्र कंपनी में वाणिज्य निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और साथ साथ हिंदी की सेवा भी वो हमेशा कर रहे हैं, निरंतर प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ भी कर चुके हैं और भारत सरकार के साइंस टीवी चैनल सहित अनेक सोशल मीडिया पटलों पर ये कार्यक्रम का संयोजन संचालन और प्रस्तुतिकरण करते हैं। आप हिंदी हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य मंच के संस्थापक हैं और हिंदी साहित्य में योगदान के लिए अनेकों सम्मान से यह सम्मानित है। बहुत आदर और सत्कार के साथ मैं चाहता हूं कि अजय गोयल साहब अपनी रचना पेश करें। स्वागत है अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण जी, आदरणीय गौतम जी, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और सभी को बहुत बहुत प्रणाम, अनास्तासिया जी, जयदीप जी, विक्टर जी, प्रताप सोमवंशी जी, शार्दुला जी, रेखा जी, तुफैल जी, लक्ष्मी शंकर जी आदरणीय हमारे, और हमारी मित्र शिप्रा जी, श्रद्धा मिश्रा जी, कपिल भाई साहब, डॉक्टर हरडाके सिंह जी, सभी को प्रणाम जिनको मैं देख पा रहा हूँ। और इधर पूजा अनिल जी भी जुड़ी हैं, पंकज जी, सभी को प्रणाम, विजय श्री जी। तो मैं सीधे सीधे कविता पर आता हूँ। जैसे कि हमारे गौतम जी ने दो तीन शर्तें रखी थी, उन्हीं शर्तों के अनुरूप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी बस आग्रह थी, शर्तें नहीं थी, बस आग्रह थी कि हम सब लोग तार पंक्तियां हिंदी को समर्पित है, उसके आगे फिर मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। कविता की नायिका का सोलह श्रृंगार हिंदी, हिंदी क्या है? कविता की नायिका का सोलह श्रृंगार हिंदी, वीरों की नाड़ियों में दहका अंगार हिंदी, वंचितों की, दीनों की, वंचितों की करुणा पुकार हिंदी, आंचल में उमड़े माँ की बन दुग्ध धार हिंदी, निष्काम भाव भक्ति मुक्ति का द्वार हिंदी, वाणी पे सजने वाला है अलंकार हिंदी, वाणी पे सजने वाला है अलंकार हिंदी, भाषा नहीं है केवल है संस्कार हिंदी, भाषा नहीं है केवल है संस्कार हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अजय जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद गौतम जी। और मैं एक आपके शर्त या अनुग्रह जैसा भी अनुरोध जैसा भी मानो, उसके अनुसार एकदम ताजा कविता जो मैंने किसी भी पटल पर नहीं सुनाई है। अरे वाह वाह, वो रखता हूँ। और मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण राधा से संबंधित कविताओं में रहती है, तो एक ऐसी नई रचना हुई, मैं रखता हूँ बिना किसी भूमिका के। आज ज्यादा दिखे श्याम सुंदर, राधा और श्याम दोनों साथ में आए हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा सुंदर कौन है, लेकिन फिर भी आज ज्यादा दिखे श्याम सुंदर, क्यों? साथ राधे जो लाए हुए हैं, ज्यादा दिखे श्याम सुंदर, साथ राधे जो लाए हुए हैं, पीला गमछा भगवान पीतांबर डाल करके आते हैं, लेकिन आज देखिए स्थिति परिवर्तित है कि पीला गमछा नहीं लाल चुनरी, पीला गमछा नहीं लाल चुनरी, राधिके की सजाए हुए हैं, आज ज्यादा दिखे श्याम सुंदर। और देखिए कि श्रृंगार कौन करता है और उस श्रृंगार का जो रूप है वो किसके ऊपर जा रहा है कि सोलह श्रृंगार श्यामा सजाए, श्यामा बोलते हैं राधा को, कि सोलह श्रृंगार श्यामा सजाए, रूप पर श्याम का निखर आ जाए, सोलह श्रृंगार श्यामा सजाए, रूप पर श्याम का निखर आ जाए, रूप की खान है राधे लेकिन, रूप की खान है राधे लेकिन, आज कान्हा ही छाए हुए हैं, क्या बात है, ज्यादा दिखे श्याम सुंदर। और सब कहते हैं कि गौतम जी कि हम काले हैं सांवले हैं, तो उस पर सुनिए भगवान श्री कृष्ण भी सांवले थे। क्या हुआ सांवरे सांवरे जो, क्या हुआ सांवरे सांवरे जो, गोरे गोरे हैं जब तक हैं काले,
गोरों को गोरा तभी तक कहेंगे जब तक काले लोग हैं, वरना तो वो सामान्य त्वचा का रंग मान लिया जाएगा। क्या हुआ सांवरे सांवरे जो गोरे गोरे हैं जब तक हैं काले, कृष्ण का रंग कृष्ण का रंग कृष्ण का रंग काला है क्योंकि, कृष्ण का रंग काला है क्योंकि गोरा राधे सजाए हुए हैं, आज ज्यादा दिखे श्याम सुंदर, नैन खंजन पे अंजन लगा है, नैन खंजन पे अंजन लगा है, भाल पे श्वेत चंदन लगा है। जब भगवान श्री कृष्ण चंदन लगाते हैं तो पूरे तन पर लगाते हैं, लेकिन जब राधा रानी चंदन लगाती है तो केवल माथे पर लगाती हैं, तो लेकिन आज श्री कृष्ण के केवल माथे पर चंदन लगा हुआ है और केवल आंखों में काजल लगी है, क्योंकि राधा का रूप भगवान श्री कृष्ण में आया हुआ है कि नैन खंजन पे अंजन लगा है, भाल पे श्वेत चंदन रंगा है, ये जो अधरों पे लाली है पक्का, ये जो अधरों पे लाली है पक्का, राधिका से चुराए हुए हैं, क्या बात है क्या बात है, ज्यादा दिखे श्याम सुंदर। अंतिम पद रखता हूँ, एक है लाडले लाडली जू, लाडला और लाडली हम लोग राधा जी को और भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, दोनों एक ही हैं वास्तव में। एक है लाडले लाडली जू, अल्प बुद्धि न समझे न माने, एक है लाडले लाडली जू, अल्प बुद्धि न समझे न माने, राधे कृष्ण बनी और कृष्ण, राधे कृष्ण बनी और कृष्ण, राधिका बन के आए हुए हैं, आज क्या बात है क्या बात है, बहुत 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 खूब बहुत खूब जबरदस्त अजय जी, बहुत बढ़िया अजय जी आपने सुनाया है और आपकी आवाज बड़ी मधुर है, और कृष्ण राधा पर जो आपने वो गीत और जो कविता सुनाई है काबिले तारीफ है, बहुत बहुत आपका आभार। और मैं अब चाहूंगा कि काफी देर से इंतजार कर रही हैं पूजा अनिल जी, तो मैं स्पेन से पूजा अनिल जी को बुलाना चाहूंगा कि आप अनम्यूट कर लें। ये स्पेन हिंदी गुरुकुल की संस्थापक हैं और 2008 से स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हिंदी की कक्षा चलाती हैं। इन्होंने विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी सीखने के रुचिकर नए प्रयोग भी किए हैं तथा भारत से बाहर हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत सहयोग इन्होंने दिया है। लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए हिंदी में विविध विधाओं से रचना कार्य करती हैं। इनकी कहानियां कविताएं और आलेख भारत के कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और मैं इनसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि आज इनके दर्शन हुए। मैं चाहूंगा आदर और सम्मान के पूजा अनिल जी को मंच पे बुलाना, वो आए और अपना कविता पाठ करें। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि जो गौतम जी हैं वो मंच संभालें अंत तक और समापन का कार्यक्रम वही करें। गौतम साहब स्वागत है पूजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, और मैं आप सभी को आज बहुत बड़ा दिन है त्योहार है उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो हिंदी के लिए मेरी एक छोटी सी पंक्ति है कि मैं जब मीठी हिंदी में बोलूं कानों में सबके रस घोलूं। तो इन पंक्तियों के साथ आज की मैं कविता के लिए प्रस्तुत हूँ, और मेरी ये कविता है जो तुलसीदास लिखित ठुमक चलत रामचंद्र है, उसका मैंने भावानुवाद किया है। आज की तरह से जब उसे हिंदी में प्रस्तुत किया जाएगा तो किस तरह से मैं कविता उसको कहूंगी, और ये विशेष आग्रह था गौतम जी का कि मैं कुछ नया लिखूं, तो बिल्कुल नई ताजी सी कविता लिखी है मैंने खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए। जी तो जी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, स्वागत है। मैं सुनाती हूँ अपनी कविता। ठुमक ठुमक कर जब चलते पहिया पहिया राम, परम आनंद मंत्र मुग्ध हृदय पितु मैया राम। पिता
परम आनंद मंत्र मुग्ध हृदय पित मैया राम, पिता दशरथ को प्राण से प्यारे बालक राम, माता कौशल्या के नयन सितारे बालक राम, ठुमक ठुमक कर जब चलते पहिया पहिया राम, छोटी पायल बजे एक धुन एक सुर में सारी राम, विस्मित हंसी से अद्भुत भरते हैं किलकारी राम। अपनी ही पायल की धुन सुनकर हंस रहे हैं। उठ उठ दौड़ते जब गिरे धरा पर नटखट राम, धरती माता प्रसन्न है पाकर स्पर्श कोमल राम, गोद उठाती दौड़कर भावुक हो महतारी राम, दशरथ मुस्काते देख दृश्य यह विस्मयकारी राम, ठुमक ठुमक कर जब चलते पहिया पहिया राम। अरे बाबा क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आंचल से अंग धूल झाड़ती मैया राम, ये पूरा छंद जो है उनकी महतारी को समर्पित है, तो पूरा का पूरा छंद में मैया जी क्या करती हैं देखिए। आंचल से अंग धूल झाड़ती मैया राम, विविध प्रकार से प्रेम जताती मैया राम, तन मन धन से वारी वारी मैया राम, मृदु वचनों से लाड़ लड़ाती मैया राम, ठुमक ठुमक कर जब चलते पहिया पहिया राम। क्या बात, बहुत खूब, बहुत सुंदर भावार्थ। मूंगे जैसे ओष्ठ अरुणाभ नवल राम, मूंगे जैसे ओष्ठ अरुणाभ नवल राम, मीठे मधुरम वचन तुम्हारे धवल राम, माखी मिश्रित बोली मधुकर मधु राम, नासिका शोभित लटकन नथुनी चारु राम, ठुमक ठुमक कर जब चलते पहिया पहिया राम। बहुत खूब पूजा जी, बहुत खूब, शुक्रिया। तो अब ये जो एक छंद है ये तुलसीदास जी अपने बारे में लिखते हैं कि वे किस तरह से उनको देखते हैं, तो ये छंद तुलसीदास जी को समर्पित है। जी जी, दिव्य रूप पर, जी शुक्रिया। दिव्य रूप पर मोहित मुग्ध है तुलसी राम, मन का आनंद छलक आया है मुख पर राम, मुख कमल पर मोहित हो गए तुलसी राम, रघुवीरा छवि समाई नेत्रों में है तुलसी राम, जैसी छवि बनी वैसे ही तो है बालक राम, जैसी छवि बनी वैसे ही तो है बालक राम, पूजा अनोखे मनमोहक नन्हे राज दुलारे राम, चमत्कृत छवि वाले सम्मोहक नीले मतवारे राम, ठुमक ठुमक कर जब चलते पहिया पहिया राम, ठुमक ठुमक कर जब चलते पहिया पहिया राम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, और इतनी सुंदर व्याख्या करने के लिए और हमें हम तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। बहुत प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगी कि अजय गोयल जी जब सुना रहे थे तो मैं सुन रही थी उनकी कविता कृष्ण को समर्पित, और ठीक उसके पश्चात राम जी आ गए, तो ये एक अद्भुत संयोग है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और आगे बढ़ते हुए मैं अपने देश में वापस आते हुए श्रद्धा जी को जमुनी से जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आकाशवाणी और पहले मीडिया से जुड़े हुए लोग रहे हैं, और श्रद्धा जी भी उनमें से शुमार करती हैं, तो मैं तो कहूँ कि इन संस्थाओं का मुझे धन्यवाद देना चाहिए जो ऐसी विशिष्ट प्रतिभाएं बनाकर हमारे लिए उपलब्ध कराती हैं ताकि हम लोग उनका आनंद ले सकें, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुन सकें। तो श्रद्धा जी भी पिछले 16 सालों से रेडियो टेलीविजन और मीडिया प्रमोशन के काम करती रही हैं, पहले भारत में और अब जर्मनी में। जर्मनी में भारतीय दूतावास की ओर से हिंदी और भारतीय संस्कृति के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, और अभी विगत हिंदी दिवस समारोह का भी आयोजन में उन्होंने भारतीय दूतावास में बहुत ही विशिष्ट कार्य किया, योगदान दिया। हिंदी साहित्य व काव्य में रुचि होने के कारण ही इनके बचपन से ही समाचार पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में लेख छपते रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि श्रद्धा जी मंच पे आए, और इतनी देर से इंतजार करने के लिए श्रद्धा जी विशेष आभार, और हम लोग बहुत उत्सुक हैं आपसे आपकी मधुर कविताएं आपकी गजलें जो भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं सुनने के लिए। नमस्ते, धन्यवाद गौतम जी, कृष्ण कन्हैया जी, और उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों और आदरणीय विद्वानों का। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सबकी, और हिंदी के प्रति जो प्रेम है वह और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप अपनी भूमि से
दूर रहते हैं या उस प्रदेश से दूर चले जाते हैं जहाँ पर हिंदी उस तरह से नहीं बोली जाती है, तो आपके अंदर हिंदी एक मान, स्वाभिमान और अभिमान भी बन जाती है, जिसके लिए आप लगातार निरंतर लड़ते रहते हैं और उसे सामने लाने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो मैं भी वही चेष्टा करती हूँ। गौतम जी ने कहा था कुछ नया लिखना, तो हिंदी हमेशा नई ही है, हर बात नई है, पर मैंने भी कुछ लिखा है। मैं हिंदी की हिंदी मेरी सदा रहेगी, मैं हिंदी की मेरी सदा रहेगी, भारत की ये शान है हिंदी सदा रहेगी, भारत की ये शान है हिंदी सदा रहेगी, विश्व पटल पर कविताओं से सजी रहेगी, मैं हिंदी की मेरी सदा रहेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। हम शिक्षित बोलें चाहे कितनी भाषाएं, हिंदी के अलावा अगर हम कोई और भाषा बोलते हैं तो हमें ज्यादा शिक्षित समझा जाता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, हम शिक्षित बोलें चाहे कितनी भाषाएं, मन के अंदर गंगा जैसी यही बहेगी, भारत की ये शान है हिंदी सदा रहेगी, भारत की दुनिया को चाहे जैसे रंग लो, बाहर की दुनिया को चाहे जैसी रंग लो, जीवन के सुख दुख में मलहम यही रहेगी, मैं हिंदी की मेरी सदा रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जब हिंदुस्तानी बोलते हैं तो उनकी भाव भंगिमाएं हमेशा बहुत ही एक्सप्रेसिव होती हैं, बहुत ही हम लोग हाथ हिला के ऐसे बात करते हैं। विदेशी लोग हमेशा कहते हैं कि आप भारत से हैं, आप बात करते वक्त हाथ हिलाते हैं, सर हिलाते हैं, तो हाँ हम ऐसा करते हैं। हिंदुस्तानी हैं हम अपने भाव अलग हैं, हिंदुस्तानी हैं हम अपने भाव अलग हैं, अपनी भाषा में बोलें तो ताव अलग हैं, अपनी भाषा में बोलें तो ताव अलग हैं, सम्मान अगर दोगे तो हम भी नमन करेंगे, सम्मान अगर दोगे तो हम भी नमन करेंगे, भाव अगर ना दोगे तो फिर खूब ठनेगी, मैं हिंदी की हिंदी मेरी सदा रहेगी। बहुत बढ़िया। घर रहना हो या चाहे बाहर बसना हो, घर रहना हो या चाहे बाहर बसना हो, खाना पीना और भाषा तो संग रहेगी, खाना पीना और भाषा तो संग रहेगी, निज भूमि में सरल सुलभ है, निज भूमि में सरल सुलभ है आदत सी है, निज भूमि में सरल सुलभ है आदत सी है, परदेशों में शायद ही ये कहीं मिलेगी, मैं हिंदी की हिंदी मेरी सदा रहेगी, भारत की ये शान है हिंदी सदा रहेगी, विश्व पटल पर कविताओं में सजी रहेगी, मैं हिंदी की हिंदी मेरी सदा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खूबसूरत श्रद्धा जी, मेरा प्रयोग किया है बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बढ़िया। और आपने इतने अच्छे से कि हिंदी हमारी और हम हिंदी के हैं, आपने ऐसे जोड़ दिया कि भाई हम अलग हो ही नहीं सकते, बहुत खूबसूरत श्रद्धा जी, बहुत बढ़िया। और अब हम कार्यक्रम को लेके चलते हैं सूरीनाम, तो मैं सूरीनाम से जोड़ना चाहूंगा हमारे, जस्ट सेकंड मैं देख लूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ। तेज प्रसाद जी को मैं जोड़ना चाहूंगा, तो तेज प्रसाद प्रताप जी कृपया उपलब्ध हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मकर संक्रांति के लिए एक मंगलमय शुभकामना, और विश्व हिंदी दिवस जो हम सभी साथ मिल करके आज इस समारोह को मना रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात। मैं थोड़ा सा आपका परिचय दे दूं, क्योंकि आप इतने दूर देश से जुड़ रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि जो तेज प्रसाद जी हैं वो सूरीनाम से जुड़ रहे हैं, और जिन लोगों को पता नहीं हो सूरीनाम के बारे में उन्हें ये जानना शायद बेहतर होगा कि सूरीनाम में हमारे पूर्वज कई सौ साल पहले जाके बस गए थे, और तेज प्रसाद जी भी उनमें से ही एक हैं जो कई वंशज पहले वहां जाके बस गए, और वहां के रक्षा मंत्रालय के साथ हिंदू आध्यात्मिक मार्गदर्शक का काम करते हैं, साहित्य कला संस्कृति में इनकी बड़ी विशेष रुचि है, और वहां पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या है,
हमारे पूर्वजों की, जो विशेष रूप से हिंदी को आज भी संभाले हुए हैं, और तेज प्रसाद जी उनमें से एक हैं, और उनको इस मंच से जोड़ने के लिए मैं अजय गोयल जी का भी शुक्रिया करूंगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं इन तक पहुंच सका। सो तेज प्रसाद जी आपका स्वागत है। और एक बात और, तेज प्रसाद जी वो चटनी संगीत वो आपके सुरीनाम का बहुत ही मशहूर है। एक मैं जोड़ दूं यहाँ के लोगों को, चटनी संगीत हमने कई बार सुना है, बहुत बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। स्वागत है आप अपना काव्य पाठ। आज वो चटनी संगीत नहीं है, हम अपनी भावनाओं को आपके साथ जोड़ रहे हैं, जो हमारा बंधन है भारतीय मूल वालों से, और भारत जो हमें दे रहा है उसी संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ लाइन है जो इकट्ठा किया हुआ है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो आकांक्षा जो होती है हमारी उसी संदर्भ में है। आकांक्षा कविता का नाम है। हम सूरीनामी भारतवंशी श्रमिक मूल है, हम सूरीनामी भारतवंशी श्रमिक मूल है, लता वृक्ष से बिछुड़ कर जन्मे फूल है। लता वृक्ष से जन्मे फूल, इन फूलों को लता वृक्ष से मिलाना है, इन फूलों को लता वृक्ष से मिलाना है, नृत्य संगीत से सींच कर जिलाना है, नृत्य संगीत से सींच कर जिलाना है, इन फूलों को जो लता वृक्ष से मिलाना है, नृत्य संगीत से सींच कर मिलाना है, इसमें प्राचीन सांस्कृतिक प्रसून की जो सुगंध है, हम सूरीनामी इसी परंपरा के पिछड़े अंग है। बाबा क्या बात, हमने सदियों बाद एक नया जीवन पाए हैं, हमने सदियों बाद एक नया जीवन पाए हैं, इनमें नए फूल लगने के लिए खूब सजाए हैं। क्या बात है, बहुत भारत को, अब भारत को अपने अध्यात्म से जोड़ना बाकी है, अब भारत को अपने अध्यात्म से जोड़ना बाकी है, जो रंग जाति धर्म और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर एक मानव गरिमा की साक्षी है, एक मानव गरिमा की साक्षी है। आप सबको हृदय से धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रसाद जी जुड़ने के लिए। आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो हम लोगों ने काफी तरह तरह के प्रस्तुतियां सुनी, काफी मजा आया, और इसके साथ ही हम लोग कार्यक्रम के आखिरी तक पहुंच चुके हैं। तो जो लोग भी जुड़े उनका हृदय तल से आभार। जैसे ही घोषणा हुई कि मैं इस कार्यक्रम को करने जा रहा हूं, तो अनेक लोगों ने संपर्क किया, और हमें खेद है कि सभी उत्सुक लोगों को हम मंच नहीं दे पाए, क्योंकि समय की सीमा होती है, हम लोग लंबा प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं, पर कोशिश जारी रहेगी, और आप लोग इसी तरह से सहयोग और प्यार देते रहें, आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। और अभी मैं इसको कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा, और अगर हमारे जॉयदीप जी या वाजपेयी जी, प्रोफेसर विक्टर कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है आखिरी शब्द, उसके बाद में कार्यक्रम का समापन कर दूंगा। जी स्वागत है जॉयदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस ठीक है, बढ़िया, अच्छा था प्रोग्राम ये पे, और इसे ही है, चलते जाए हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम। जी चलो अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जॉयदीप जी जुड़ने के लिए। विक्टर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मजा आया मुझे ये कार्यक्रम सुनने से, और आप लोगों को सब धन्यवाद देता हूँ कि हमारा आज का दिन को खिला, मतलब खिल गया। मैं तैयार नहीं था इस कुछ कहने के लिए, तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से, और बड़ी बहुत खुशी हुई आपको सबका कविता सुनने से। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विक्टर, आपका हिंदी के लिए रुझान देख के हम लोग प्रेरित होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और मैं आखिरी शब्द वाजपेयी जी से सुनना पसंद करूंगा, अगर वो चाहें तो। जी जी जी
मैं इतना ही कहूंगा कि ये कोई आप एक सपना साकार देख लें वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जब मैं नेशनल चैनल पे था आकाशवाणी की, 33 साल पीछे ले जाता हूँ, हिमांशु जोशी जी जब बताते थे कि फला देश में फला लिख रहे हैं हिंदी में, बड़ा रोमांच सा होता है। आज मैं देख के ये देखिए कि अलग अलग देशों में सैकड़ों लोग लिख रहे हैं, हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं, हिंदी का आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से जो भी प्रवासी भारतीय भारतवंशी, उनसे बहुत हिंदी को बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो धीरे धीरे अब मानसिकता बदलेगी और हिंदी अपनी जगह बनाएगी। आप सबके प्रयास उसमें काम आएंगे। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम का समापन करता हूँ और 10 मिनट की देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया, समय की सीमा और गरिमा बनाए रखी, बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जी नमस्कार, सबका आभार, सबका अभिनंदन। जी।